बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्ला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कराची स्टोरीज। इस वक्त हम अल खिदमत के बेस कैंप में मौजूद है, जहां पर सारा जितनी भी इमदाद है जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए जमा की गई है, वो यहां से ट्रक्स इस वक्त लोड हो रहे हैं और टनों के हिसाब से इमदाद जो है वो अंदरून सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में मुतासरीन तक पहुँचाया जा रही है। हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि कितनी इमदाद अब तक जो है वो पैकिंग हो चुकी है और कितने रजाकार इस कार्य खैर में जो है अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब तक कितनी इमदाद कलेक्ट हो चुकी है और कितने ट्रक्स रवाना कर दिए और किस तरह पहुंचाया जा रहा है, क्या प्रोसीजर है, किस चीज़ की शॉर्टेज है? अच्छा, हम ये देखते हैं कि एक महीना पहले जो है वो कराची के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले अर्बन फ्लडिंग कराची में हुई और वहाँ से हमने अपनी जो इमदादी सरगर्मियों का जो है वो आगाज़ किया। एक दिन, कई दिन ऐसे भी गुजरे कि जब शहर में इतना पानी भरा कि लोगों का घरों से निकलना महाल हो गया। फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त बारिश की सूरत में जितने भी जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आए। बेला और ये जितने भी मकरहब और मकरांस की जो पूरी बेल्ट है, वो पूरी बेल्ट जो है वो डिस्टर्ब हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशों की वजह से, यानी अगर देखा जाए तो सिंध में इस वक्त अभी सैलाब नहीं आया, ये सिर्फ वो बारिशों का पानी है जो सैलाबी सूरत अख्तियार करके 5 से 6 फिट पानी इस वक्त खड़ा हुआ है। फिर इसी तरह फिर हमने देखा कि काबुल से सैलाब आया जो कि पूरा अपने चार सद्दा अनुशायरा सवात को डुबोता हुआ आया। और उसके अंदर आपने यकीनन अल खिदमत के उन वॉलंटियर्स की वो स्टोरीज़ देखी जिन्होंने अपनी जानों को ख़तरों में डाल के काम किया। तो इस सारे मौके पे, क्योंकि गो के कराची के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने अल खिदमत पर एतमाद करते हुए जो है वो भरपूर अंदाज के अंदर अजनास की सूरत में, नकद रकूम की सूरत में, पानी और कपड़ों की सूरत में जो है वो अल खिदमत को सपोर्ट किया है। और अब तक जो है वो 2 दर्जन से ज़ायद इमदादी ट्रक रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हमने सक्खर और अंदरून सिंध के अंदर कोई 12 से ज़ायद जो बेस कैंप और किचन्स हमने कायम कर दिए गए ताकि पका पकाया खाना उन तमाम इलाकों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसी तरह हमने देखा कि कराची के साथ में देखा गडाप के अंदर जो है वो थर्टो डैम जब ओवरफ्लो हुआ, 2 गाँव ज़ेर आब आए, घर टूट गए, तो वहाँ पर उनकी रिहेबलीटेशन के लिए भी अलखदमत इस वक्त काम कर रही है। वहाँ पर उनके घर जो है वो तामीर हो रहे हैं, तो ये पूरा एक ऑपरेशन है। इसी तरह जो जनूबी पंजाब है और केपी की जो हालात हैं, तो यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में हैं। अलखदमत के वॉलंटियर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ग्रास रूट के ऊपर मौजूद हैं, और हम जो अमानत लोग हम तक सुपुर्द कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो डोनेशन के अंदर आ रही है वो हम उस यकीन तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्योंकि आपके लोग वहाँ मौजूद हैं जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन के पास आप लोगों ने कैंप्स लगाए हुए हैं, वहाँ पे आप इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी शॉर्टेज है और जिनकी अशद ज़रूरत है कि लोग अलखदमत पर वो चीज़ें जमा कराएँ जो आप वहाँ तक पहुँचा सकें? बड़ा अच्छा सवाल है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू का अमल होता है जब सैलाब आ रहा होता है तो जान बचाने का, दूसरा स्टेज होता है रिलीफ का। तो इस वक्त हम रिलीफ के स्टेज के ऊपर हैं और रिलीफ के काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमें जो है वो तैयार खाने, जिसके अंदर आप कह सकते हैं बिस्किट्स हैं, पानी है, इसी तरह से जो वो केक है, बन है, चने हैं, जो ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर पे खा ली जाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं लेकिन वो पानी इतना खड़ा हुआ है कि वो पका नहीं सकते, उनके पास बर्तन मौजूद नहीं है और वो आग नहीं जलाई जा सकती वहाँ पर, तो वो कुक फूड हमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह जो हमने किचन सेटअप किया हुआ है, हमें खुश अजनास की ज़रूरत है, इसके अंदर राशन हो, आटा हो, घी, तेल, चावल, दालें, चने, इन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम उनको पका पकाया खाना प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह शेल्टर की ज़रूरत है। और जो चौथी चीज़ जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें ज़रूरत महसूस हो रही है वो अद्वियात की है, मेडिसिन चाहिए, क्योंकि उन खासतौर पर सिंध के इलाकों में वबाई अमराज फूट चुके हैं जिसमें जल्द की बीमारियाँ और ख़ासतौर पर गैस्ट्रो हैज़ा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि साफ पानी 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 है लेकिन पीने का एक खतरा पानी मौजूद नहीं है, तो ये अद्वियात की इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताइएगा अल खिदमत के वॉलंटियर्स माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, क्या अल खिदमत के वॉलंटियर्स इस कार्य खैर में पूरे पड़ रहे हैं या और लोगों की ज़रूरत है आपको? जी बल्कि मैं आपके तवस्सुस से अपील भी करता हूँ कि हमने कॉल दी थी कि स्पेंड 2 आवर्स विद अल खिदमत, तो इस वक्त अल खिदमत कराची को वॉलंटियर्स की अशद ज़रूरत है। अब ये पूरा ऑपरेशन आपके कैमरा में दिखाए, इतना बड़ा ऑपरेशन लीड हो रहा है, यहाँ पर हमें हर घंटे 500 वॉलंटियर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं कम अज़ कम, क्योंकि कपड़े आ रहे हैं, उनकी शॉर्टिंग है, चीज़ों को मैनेज करना है, ये पूरी गली इस वक्त कम पड़ गई। और अगर आप रात तक रुकेंगे और देखेंगे तो हम इस वक्त हमारा ऑपरेशन जो है वो न्यू एमजना रोड तक फैल चुका होगा, तो इस वक्त हमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है, डोनेशन चाहिए अजनास की सूरत में, रकूम की सूरत में, तो जिस तरह से जो ताउन कर सकता है वो अलखदमत के साथ इस कार्य खैर में हिस्सा मिला है। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अलखदमत ने कराची भर में टेंट्स लगाए हुए हैं जहाँ कलेक्शन पॉइंट्स हैं,
इसके अलावा बहुत सारी रातों रात जो है वो फाउंडेशन जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, अनरजिस्टर्ड खड़ी कर दी गई हैं और वो कलेक्शन कर रहे हैं, और कराची वाले तो देने वालों में से हैं, वो दिए जा रहे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचे गए या नहीं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखें, इस वक्त अमल का जो कहते हैं ना हदीस भी है कि अमल का दारमदार नियत पे, लोगों ने इनिशिएटिव लिया है तो इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन ये कि जो लोग फेक अकाउंट्स और सारी चीज़ें चला रहे हैं उनसे बचना भी चाहिए, और हम तो रिकमेंड करते हैं कि जो अलखदमत के नाम पर जिन्होंने डोनेशन देनी है वो हमारी वेबसाइट alkhidmat.com पर जाएँ, और वहाँ अकाउंट नंबर भी मौजूद हैं, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी उसमें कर सकते हैं, वहाँ से क्यूरीज भी कर डाल सकते हैं, जो कि हमारा आप हमारा नुमाइंदा आपके पास आके कैश और जो आपका सामान है वो कलेक्ट भी कर सकता है। तो ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोग जो छोटे पैमाने पर कुछ कलेक्शन करते हैं वो अपनी कलेक्शन आपके पास लाके जमा करा दें और आप उनकी कलेक्शन वहाँ तक पहुँचाएँ? जी बिल्कुल, हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अपने ग्रुप फैमिलीज़ के ग्रुप्स के अंदर उन्होंने कलेक्शन की और उन्होंने लाके अलखदमत को अमानत के तौर पे दी, हमने उनको रसीदें दी, और जब हम इंशाल्लाह वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि वेयर वी आर स्पेंडिंग दैट अमाउंट। आपके अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आपकी टीम्स वहाँ पर हैं, कितने दिन लग जाएंगे वहाँ जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली में? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस वक्त जो फिगर्स आ रही हैं कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग मुतासर हैं। 3 से 4 करोड़ लोग? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान के 4 सूबे इस वक्त मुतासर हैं। पूरा सिंध डूब चुका है, जनूबी पंजाब डूब चुका है, केपी आधा डूब चुका है, बलूचिस्तान डूब चुका है, लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनके मवेशी उनकी जानें बच गई हैं, क्योंकि आपने देखा 2005 का जलजला आया था उसमें हलाकतें ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ केपी के और कश्मीर का रेडियस था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबे जो है वो मुतासर हो चुके हैं। लोगों के घरों घर बार टूट चुके हैं, उनके माल मवेशी, उनके खेत खलियान सब ख़त्म हो चुके हैं। तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस ऐसा है कि शायद इसको 10 साल लग जाएं, और वो भी उस सूरत में कि जब हुकूमत और तमाम इदारे संजीदगी के साथ इस बात पर गौर भी करें, इसको सोचें भी और इस पर जो है वो काम भी करें। क्या अगर इस तरह की हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेती है कि वो एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम बना दे, तो क्या अलखदमत जो है उसके साथ अपने आप को मुंसलिक कर लेगी, या फिर अलखदमत अपना सिलसिला ऐसे ही जिस तरह जारी और सारी रखेगी जिस तरह अलखदमत अभी कर रही है? देखिए ये सवाल जो है ना वो बेसिकली एनजीओ और उन लोगों से नहीं होना चाहिए जो काम कर रहे हैं, सवाल तो अरबाब इख्तियार से होना चाहिए। और आप जो सवाल कर रहे हैं इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर इदारे मौजूद हैं, NDMA हैं, PDMA मौजूद है, जिनका काम ही प्रिकॉशंस और डिज़ास्टर को रिस्पॉन्स करना है, उनका कोई और काम नहीं है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे। जिनको जो काम करना चाहिए था, कहाँ है PDMA, कहाँ है NDMA? तो जो लोग काम कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई साथ हुकूमत कहेगी हम उसका भी साथ देने को तैयार है, लेकिन बहरहाल अलखदमत अपना काम जिस अंदाज में आवाम के साथ आवाम को रिलीफ देने का जो काम कर रही है, इंशाल्लाह इससे बड़ी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, इससे बड़ी वॉलंटियर फोर्स के साथ इंशाल्लाह जारी और सारी रखेगी। मंजूर वसान साहब ने कश्ती में जो है अंदरून सिंध के इलाकों का दौरा किया, और उन्होंने वहाँ पर रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखिए मैं तो इटली गया था और इटली में मैंने इस तरह का माहौल देखा था, तो सिंध का इस वक्त वैसा माहौल है। देखें ये तो स्पीचलेस कंडीशन है ना, ये तो जुमला सुनने वाला खुद अपने जहन के अंदर ये कर सकता है कि जिस हुकूमत की 14 साल से यहाँ हुकूमत हो और उस सूबे का ये हाल हो तो ज़िम्मेदार कौन है, ये बहुत क्लियर है, और एक वडेरा शाही माइंड सेट है जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर लोगों को महकूम बना के, गरीब हारियों को महकूम बना के काम करवाता है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या होता है, लोग आज़ाद नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अलखदमत के प्लेटफॉर्म से जो है टनों राशन जो है अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में जा रहा है, और अलखदमत की यही अपील है कि वॉलंटियर्स जो हैं आए यहाँ पे हमारे साथ काम करें, राशन पैकिंग में बहुत लोग रिक्वायर्ड हैं, और आप जो है अलखदमत का साथ दीजिए और राशन जो है मुतासरीन तक पहुँचाइए। देखते रहिए कराची स्टोरीज़। बहुत शुक्रिया।